नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माइल्स एक्सप्लोर पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे चोपटा की। दोस्तों चोपटा एक हिल स्टेशन है जो कि उत्तराखंड का एक मिनी स्विट्जरलैंड भी है। चोपटा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। चोपटा भारत में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जब आप गूगल मैप पर देखोगे तो रुद्रप्रयाग जिले में दो चोपटा देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको गूगल मैप पर लिखना होगा चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड, तभी आप सही चोपटा के लोकेशन पर पहुंच पाएंगे। चोपटा समुद्र तल से 8,556 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। चोपटा में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर देखने को मिलेगा। यह मंदिर टुंगनाथ के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ही नहीं, चोपटा ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेन साइकिल, इन सभी एडवेंचर्स के शौकीन लोगों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं है। चोपटा सबसे ज्यादा टुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है। इस ट्रैक के दौरान आप पंचुली, नंदा देवी, केदारनाथ और त्रिशूल की राष्ट्रीय चोटियों को देख सकते हैं। चोपटा निश्चित रूप से उन लोगों के लिए भी एक शानदार स्थान है जो कम आबादी वाले स्थान पसंद करते हैं। आप चोपटा किसी भी महीने में जाएं, आपको चोपटा में हर महीने एक अलग ही अनुभव होगा। अगर आप यहां बर्फ देखना चाहते हो तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के बीच चोपटा जा सकते हैं, लेकिन अगर आप मार्च से अप्रैल के बीच में जाते हैं तो चोपटा की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। इस समय वादियाँ और भी हरी भरी और बहुत सुंदर हो जाती है। टुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, जानिए कैसे। केदारनाथ की ऊंचाई 11,755 फीट है। रुद्रनाथ की ऊंचाई 11,675 फीट है। मध्यमहेश्वर की ऊंचाई 11,450 फीट है। कल्पेश्वर की ऊंचाई 7,217 फीट है, पर टुंगनाथ की ऊंचाई 12,073 फीट है जो कि सबसे ज्यादा है। दोस्तों अब चोपटा के तापमान के बारे में बात करते हैं। चोपटा का तापमान 12 महीने ही बहुत ज्यादा ठंडा रहता है, आपको यहाँ कभी भी गर्मी का एहसास नहीं होगा। चोपटा में मार्च से मई के दौरान यहाँ का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों के दौरान यहाँ का तापमान -10 से -15 डिग्री तक चला जाता है। आप चोपटा किसी भी मौसम में आए, लेकिन अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। चोपटा में हर साल भारी मात्रा में बर्फबारी होती है। अगर आपको चोपटा में बर्फबारी का अनुभव करना है तो आपको इसके लिए दिसंबर से मार्च के महीने में चोपटा जाना होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चोपटा कैसे पहुंचे। दोस्तों अगर आप सड़क मार्ग द्वारा आना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचना होगा। यहां से आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड के लिए बस मिल जाएगी। यह बस ऊखी मठ होते हुए गोपेश्वर तक जाती है। बस आपको सीधी मिनी स्विट्जरलैंड तक पहुँचा देगी। गोपेश्वर से चोपटा की दूरी केवल 43 किलोमीटर है। दोस्तों अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो तो उसके लिए आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन या ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर आना होगा। हरिद्वार से चोपटा की दूरी 229 किलोमीटर है और ऋषिकेश से चोपटा की दूरी 209 किलोमीटर है। यहां पहुंचने के बाद टैक्सी की मदद से आप चोपटा पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर आप हवाई मार्ग से चोपटा आना चाहते हो तो उसके लिए आपको देहरादून में स्थित जोली ग्रैंड एयरपोर्ट पर आना होगा। देहरादून से चोपटा की दूरी 178 किलोमीटर है। दोस्तों चोपटा में बिजली की बहुत समस्या है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ।